पूरी दुनिया में महामारी आने वाली है 2026 में, 28 में आने वाली है, परमाणु बम गिरने वाले हैं ऊपर से। हालेलुया, मैं कह रहा हूँ एक तिहाई हिस्सा खत्म हो जाएगा, लोग लड़ेंगे, फूड खत्म हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अकाल के दिन आएंगे, कहीं सूखा पड़ेगा, और महामारियां प्रॉब्लम आएंगी, आफत आएंगी, लोग कहेंगे ये क्या बादशाह, बादशाह प्रधानमंत्री के पास जाओ, राष्ट्रपति के पास जाओ, उधारे लो पैसे, कुछ नहीं होगा। कहता कि बादशाह, हालेलुया, कहता है वो राजाओं का राजा ऊपर से मदद भेजेगा, उस समय में भी, उस समय में मदद भेजेगा, लेकिन किसके लिए, जिन्होंने पहले से प्रार्थना की होंगी। लेकिन बहुत सारे लोग उस समय प्रार्थना करने लगेंगे, हेलो प्रभु देना, परमेश्वर कह चल, जब प्रार्थना की नहीं, अब प्रार्थना कर रहा है, इसलिए कह रहा है कि ऐसे समय में प्रार्थना करना जबकि परमेश्वर ऊपर से मदद भेजे तुम्हारे लिए, यीशु के नाम में। जब आपने पहले नहीं बोया तो बाद में कैसे बोओगे, परमेश्वर जानता है ऐसे लोगों के, इसलिए वो तड़पेंगे और हा हा करेंगे। इसलिए बाइबल बोलती है वो 3.5 साल तक तड़पेंगे, इस धरती पर प्रकाशित वाक्य में लिखा कि वो खाना खाएंगे, पेट नहीं भरेगा, कहता है कि वो पानी में कूद जाएंगे, लेकिन वो मरने की कोशिश करेंगे, लेकिन डूबेंगे नहीं, तिनके की तरह बाहर आ जाएंगे, चक्कू मारेंगे पेट में, लेकिन मौत उनसे दूर होगी, मरेंगे नहीं, वो हड्डी तोड़वाएंगे, ऊपर से गिरेंगे, डॉक्टर कहेंगे जहर का इंजेक्शन लगा दे, मरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इस धरती पर 3.5 साल के लिए तड़पने के लिए छोड़ दिया होगा। जिन लोगों ने परमेश्वर का निरादर किया, जिन लोगों ने भरोसा नहीं रखा, जिन लोगों ने शाऊल की तरह परमेश्वर को जानने के बाद करा तुच्छ जाना, मैं आज उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में काम किया, लेकिन अब क्यों नहीं किया, अब मैं जा रहा हूं तेरे से छोड़कर। मैं कह रहा हूं आफत एक दिन आने वाली है लोगों के ऊपर, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जितने लोग टिके रहेंगे, भरोसा रखेंगे परमेश्वर पर, कह रहा है कैसे भी आफत हो, कह रहा है कि विपत्तियां आए, लेकिन कहता है वो अपने लोगों को उनमें से छुड़ा लेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है अगर वो जो परमेश्वर एलिय्याह को नाले में कग्गे भेजकर कहता रोटी खिला सकता है, कहता कि चाहे आप कहीं भी बैठ जाना छुपकर। मैंने क्या कहा, कितने लोग मेरी बात मानेंगे, कल आपको आपके गली में जो सबसे गंदा नाला हो, गटर, उसमें जाके ढक्कन खोल के बैठना है आपको सारी रात, कितने लोग बैठेंगे, हाथ उठाओ। परीक्षा, आप समझ रहे हैं, कोई नहीं मानेगा मेरी बात, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कहता है परमेश्वर ने ऐसा समय लेकर आया और उसी समय एलिय्याह को कहा जान नाले में बैठ जा, कहता है इतना गंदा बात आ रही है, मैंने कहा चल बैठ, मैंने कहा हाँ ठीक है पास्टर, पास्टरों का जीवन ऐसा होता है, समझ रहे कि नहीं, वो कहता है उधर जा प्रचार कर, इधर जा प्रचार कर, इधर जा दुख उठा, उधर जा दुख उठा, उठाना पड़ता है, लोग गालियां देते हैं, लोग बोलते हैं अरे फिल्म एक्टर को बता लिया, अरे अरे क्या इसके साथ खड़ा होगा बन जाएगा, है इसके साथ खड़ा होगा, अच्छा ऐसे कैसे बन जाएगा भाई, दिखाना जरा, अगर ये आत्मिक नहीं है तो मैं तो हूं, अगर ये आत्मिक है मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर जो ऊपर से देख रहा है वो हमें संभाल रहा है, शोंगे से के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं, आप भरोसा रखना है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपको विश्वास करना है, कहीं भी किसी के साथ जोड़ देते हैं, ऐसे गंदे लोग कहीं भी किसी का जोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप किसी के साथ किसी का संबंध जोड़ रहे हो, न्याय तो करेगा परमेश्वर इसी धरती पर। हालेलुया, कहता है समय आने वाला, बेटे मुंगेरी लाल के सीन सपनों दूर से देखते रहो क्या हो रहा, थोड़े दिन में पता लगेगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि विश्वास करो, कह रहा है कि अगर शाऊल की तरह, कहता है कि अगर आपने जीवन बिताना है तो वो थोड़े दिन का है, लेकिन अगर आज आप, कहता है शमूएल की तरह भरोसा रख रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि उन लोगों का आदर सम्मान किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष आपकी होगी चर्च। मैं कह रहा हूं बादशाह, कह रहा बादशाहों का बादशाह ऊपर है, ऊपर से मदद भेजेगा, अपने पड़ोसी को कहूं वो सब बातों में तेरी मदद करेगा। लेकिन शाऊल को सिर्फ दो कपड़ों में, सोने चांदी में नहीं महसूस हुआ कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा नहीं करेगा, जिसने तुझे झुग्गी झोपड़ी से उठाकर राजा बना दिया, क्या विश्वास फूट जाता है कई बार। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि आज कैसी भी क्यों ना हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर के आत्मा का भरोसा रखना। मैं कह रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो, भरोसा रखना परमेश्वर सब बातों में तेरी मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। योहन्ना 14:26 में लिखा, वायदा है, कह रहा है कि वो हेल्प भेजेगा आपके लिए, छोटा है बड़ा है कैसा भी है, कह रहा है कि वो हेल्प भेजेगा आज रात आपके लिए यीशु के नाम में। बोलता है परंतु सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये बातें स्मरण कराएगा पवित्र आत्मा कि क्या वचन कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा सहायक है, अपने पड़ोसी को कहूं कि वो सब बातों में तुम्हें तेरी मदद करेगा। बोले हालेलुया। लेकिन जब हम व्यवस्था विवरण उसका 22:2 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, इसके मैं बारे में बता रहा हूं आपको, व्यवस्था विवरण 22:2 में, कि एक लड़का था, उसको भूख लगी और वो गया, इस वचन के हिसाब से बता रहा हूं, एक लड़का है, मान लो एक लड़का है, उसको भूख लगी और जाकर उसने चिड़िया के घोंसले में से क्या उठा लिया, चिड़िया के घोंसले में से अंडा उठाया और अंडा खा गया। लेकिन अगले दिन फिर
कहता है कि उसने क्या किया, भूख लगी, अगले दिन अंडा नहीं मिला और उसने जाकर चिड़िया को उठा लिया, मतलब माँ को ही खा गया, अंडे देने वाली मुर्गी को खा गया। बोला हालेलुया, आप समझ में आया। कहता है कि बहुत सारे लोग दुख में क्यों हैं, तकलीफ में क्यों हैं, आज भी उनकी जिंदगी में काल क्यों हैं, क्योंकि वो शाऊल की तरह कई बार आज्ञाकारी नहीं है, वो लोग दशमांश खा जाते हैं। पढ़ दे क्या लिखा, जल्दी से पढ़। परंतु यदि तेरा वह भाई निकट ना रहता हो। क्या पढ़ रही है, व्यवस्था विवरण। हाँ, मैं एक जगह पर लिखा बाइबल के अंदर, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, 22 के साथ में लिखा, बच्चों को अपने लिए ले तो ले परंतु माँ को अवश्य छोड़ दे। 22 के साथ में लिखा, देखो स्क्रीन पर, करम माँ को अवश्य छोड़ दे इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। बोला हालेलुया, हालेलुया। करम बच्चों को तो ले, कहता अंडों को तो ले, लेकिन कहता माँ को छोड़ दे। लेकिन मैंने आपको दशवान से ये सिखाया है, आपको ऐसे करके छोटा सा उदाहरण देकर, कि लोगों ने चिड़िया के घोंसले में से अंडे खा लिए, लेकिन जब अंडा नहीं मिला तो माँ को ही खा लिया। आज जब परमेश्वर आपको लाखों रुपया देता है, करोड़ों रुपया देता है, वो दे सकता है आपको आज भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 2 अरब भी देगा आपको यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूँ 50 करोड़ भी देगा, 4 करोड़ भी देगा, 10 लाख, 50 लाख भी देगा आपको। लेकिन अगर आप उसका दशमांश अंडा समझ के खा रहे हैं और लेकिन कल आप उसकी माँ को ही खा गए, मैं क्या कह रहा हूँ, तो कहाँ से आएगा। कह रहा इसका मतलब, कहता है जब आप परमेश्वर की भेजी हुई आशीष का पहला हिस्सा खा जाते हैं। गाँव के अंदर जब दूध चढ़ाया जाता था, सुन रहे हैं कि नहीं, जब पहली भैंस को दूध होता है या गाय को दूध होता था, तो पहला दूध लोग नहीं पीते थे, उनको पता है वो फट जाया करता था, इसलिए वो जाकर फटाफट मंदिर में चढ़ाया करते थे। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कहता कि उठते ही, कहता कि अगर आपको आशीष चाहिए तो सबसे पहले अपनी आंखें परमेश्वर को चढ़ाओ, सबसे पहले अपने हाथ ताली बजाकर परमेश्वर को चढ़ाओ, सबसे पहले कहता उठते ही कहता अपने कदम कहता पवित्र आत्मा को दिखाओ कि परमेश्वर मैं तो तेरे लिए खड़ा हूं, तेरे लिए गा रहा हूं, अपनी आंखें वचन पर गड़ाओ। परमेश्वर का आत्मा कहता है अगर आज आप करते हैं, कहता हर चीज का दशमांश लूंगा, आंखों का भी दशमांश लूंगा, हाथों का भी दशमांश लूंगा, आप जितने जिन धरती पर जिंदा हो एक दिन का भी दशमांश परमेश्वर आपसे लेता है। 24 घंटे के अलावा मैं कह रहा हूं कि 20 मिनट जितने भी आप इस धरती पर हैं, मैं कह रहा हूं दशमांश लेता है परमेश्वर। याद रखना, अगर आज मैं कह रहा हूं 2.5 घंटे, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, परमेश्वर दशमांश लेता है उन लोगों से। अगर आज आप ईमानदार हैं परमेश्वर की हर बात में मानने में, तो परमेश्वर कह रहा है मैं हर बात तुम्हारी पूरी करूंगा, हर बात पूरी करूंगा ईश्वर के नाम में। ये तैयार रहना, इसलिए बोलता है बाइबल बोलती है पुराने नए नियम में लिखा, मांगोगे, जोर से बोलो मांगोगे, हाथ उठा के बताओ मांगोगे, मिलेगा ना, लेकिन 2 साल बाद मिलेगा। मांगोगे 1 साल बाद मिलेगा, मांगोगे, लेकिन एक जगह यिर्मयाह को बोला, जब वो आज्ञाकारी हुआ, यिर्मयाह को कहा तेरे मांगने से पहले दे दिया करूंगा। कैसा विश्वासी बनना है आपको, आपको कैसा विश्वासी बनना है, यिर्मयाह जैसा बनना है कि नहीं? तो कह रहा है कि तेरे मांगने से पहले परमेश्वर देगा, हर बात में तेरी मदद करेगा, हर चीज में तेरी मदद करेगा। आमीन बोलने वाले हर बात में। जब आपका प्रेयर टाइम जाने का टाइम होगा, याद रखना मैं कह रहा हूँ, उस समय कहता है आपकी मदद करेगा। चर्च जाने का समय होगा, मदद करेगा। आप कहीं पर भी खड़े होंगे, वो आपकी मदद करेगा। आज रात से आप बैंक जाएंगे, वो मदद करेगा। फॉर्म भरने जाओगे, मदद करेगा। आप किसी की प्रेयर करने जाओगे, मदद करेगा। हर जगह मदद करेगा, हर जगह, हर जगह, हर जगह। कह रहा जहां जाओगे आज से शांति का जीवन पाओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मैं हर बात में तेरी मदद करूंगा। क्या आप विश्वास करते हैं वो मदद करेगा? अपने हाथों को उठाओ और फैसला ले लो। आज आज कहूं परमेश्वर कि मैं आज तेरे से मुलाकात करने जाता हूं। परमेश्वर मैं तेरे से मुलाकात करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा उन लोगों से मुलाकात करेगा, कहता जो भरोसा रखेंगे। आज कहूं परमेश्वर कि मैं आज से मैंने जान लिया पवित्र आत्मा वचन में कि मैं अब शाऊल की तरह जीवन नहीं बताऊंगा, मैं अनाज्ञाकारिता का जीवन नहीं बिताऊंगा परमेश्वर, मैं आज्ञाकारिता का जीवन बिताऊंगा। और परमेश्वर मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करूंगा, मैं उसको बढ़ाऊंगा। और चीज में अपना स्पिरिचुअल टाइम, कहता है कि पवित्र आत्मा अपना प्रेयर टाइम, अपनी प्रेयर लाइफ पवित्र आत्मा तुझे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आत्मिक जीवन जीने के लिए तैयारी कर रहे हैं, याद रखना परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजने की तैयारी कर रहा है आपके जीवन में। बड़े बड़े एंजल देख रहा हूं मैं उतरते हुए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बहन भाई आजाद हो रहे हैं, उस कर्जे से आजाद हो रहे हैं।
मैं देख रहा हूँ जो उसने आपको बहुत पीड़ा दी हुई है आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं के प्रभु मैंने जान लिया आप उसकी मदद करते हैं जो आपके साथ प्रेयर करता है, जो आपसे प्रेयर करता है, मांगता है, आपके पास आता है घुटनों पर। परमेश्वर जो आज्ञाकारी होते हैं परमेश्वर उनकी तो मदद करता है, मैं विश्वास करता हूँ। आज परमेश्वर जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, बिहार से, इस समय पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कहीं से भी परमेश्वर पवित्र आत्मा इन्होंने जान लिया मदद नीचे का बादशाह नहीं ऊपर का बादशाह करेगा, इनका बाप नहीं करेगा ऊपर का बाप करेगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज इनके टैलेंट को देख और जिसके अंदर टैलेंट दिखे 52 दिन में बेस्ट हेल्प भेज आज स्वर्ग से, बेस्ट हेल्प भेज परमेश्वर, बेस्ट सेवकाई देने परमेश्वर, बेस्ट बच्चा दे परमेश्वर, बेस्ट पत्नी देने यीशु के नाम में, बेस्ट जगह रिश्ता होने पाए, बेस्ट प्लॉट इनके हाथ लगने पाए, बेस्ट घर आने पाए, बेस्ट कंट्री इनके हाथ लगने पाए, बेस्ट पीआर आने पाए, बेस्ट हीलिंग मिलने पाए, बेस्ट बैंक अकाउंट में खाता खोलने पाए, बेस्ट बेस्ट मिराकल मनी होने पाए, बेस्ट कार इन्हें मिलने पाए परमेश्वर, और सच में बेस्ट ही पादरी इन्हें मिलने पाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ कि सच में मेरे प्रभु तू हमारे लिए आया इस धरती पर। अपने पड़ोसी को कहूँ परमेश्वर हमारे लिए धरती पर भेजा यीशु को। मैं विश्वास करता हूँ